लेट्स मेक दिस वन बोल क्विक एंड ईजी बटर केक इन टू डिफरेंट फ्लेवर्स एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि ये रेसिपी मेरे प्यारे हसबैंड ने बनाया है जिसे बेकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसे कोई भी बिगनर बहुत ही ईजिली फॉलो कर सकता है तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको एक मीडियम साइज के बोल से बटर चाहिए यह मैंने अनसॉल्टेड बटर का यूज़ किया है देन उसमें डालेंगे एक बोल शुगर सेम बोल यूज़ करेंगे सारी मेजरमेंट्स के लिए फिर इसमें तीन से चार ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालेंगे और बटर और शुगर को अच्छे से विस्क करेंगे उसके बाद इसमें एक एक करके एग्स डालना है यहाँ मैंने दो एग यूज़ किया है एंड मेजरमेंट के लिए यहाँ आप कोई भी मीडियम साइज स्मॉल साइज़ बोल ले सकते हो जैसा भी आपको केक बैटर बनाना हो कम बनाना हो तो आप स्मॉल साइज़ का बोल यूज़ करो ज़्यादा बनाना हो तो मीडियम साइज का और यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा सा भी हेल्प कर दिया क्योंकि बिगनर के लिए आई थिंक फर्स्ट टाइम में विस्किंग भी एक बहुत ही रिस्की थिंग होता है तो हल्का हल्का सा बस विस्क करने में हेल्प कर दिया एंड इंग्रेडिएंट्स बता दिए एंड दैट्स इट बाकी का काम काफ़ी इजी है उसके बाद इसमें हम डालेंगे सॉल्ट वन टी फिर बेकिंग पाउडर टू टी और बहुत ही थोड़ा सा बेकिंग सोडा अगर नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हो इसके बाद इसमें डालना है चेरीज आप कोई भी फ्रूट एंड नट डाल सकते हो टूटी फ्रूटी या फिर नट्स जो भी आपको पसंद हो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम दो बोल फ्लार यूज़ करेंगे और मैदा को आप अच्छे से छान लें और उसके बाद यूज़ करें तो मैदा को यहाँ मैंने तीन बैचेस में यूज़ किया है तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया उसके बाद मैंने मिल्क यूज़ नहीं किया है पहले आप सारा मैदा इसमें डाल दें और इसको अच्छे से मिस कर लें फिर जब यह इस तरीके से एकदम थिक हो जाए उसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा मिल्क डालना है पहले एक बार में ज़्यादा मिल्क नहीं डालें आप थोड़ा सा डालें और इसको अच्छे से मिक्स करें और बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है इसका तो ये जो केक बैटर है ये बाकी केक बैटर की तरह फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का नहीं होगा ये हल्का सा थिक होगा और दूसरा जो फ्लेवर है जो हम सेम बैटर को यूज़ करके बनाएंगे तो मैंने थोड़ा सा बैटर अलग बोल में निकाल लिया और इसमें हम डालेंगे थ्री टू तो फोर टेबल स्पून कोको पाउडर और थ्री टू तो फोर टेबल स्पून मिल्टेड चॉकलेट और इसको अच्छे से वस्क करेंगे और ये भी बैटर हो गया है रेडी और आप देख सकते हैं कि विस्क करने का तरीका इसका कैसा है तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी विस्किंग में तो हमारा बैटर कुछ इस तरीके का होना चाहिए इसको बेकिंग ट्रे पे अच्छे से स्प्रेड करना है और टॉप करना है चॉकलेट वाले पार्ट को थोड़े से चॉकलेट चिप्स के साथ और नॉर्मल वाले केक बैटर को थोड़े से चेरीज़ के साथ और बेक कर ले 40 टू 45 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज़ पर सो so, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो ये कितना ज्यादा अमेजिंग बना है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना एंड एंजॉय एंड आई होप कि आपको हमारा बेक विद लव का एपिसोड वन पसंद आया हो सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब